उत्तराखंड में आज सुबह से ही 70 विधानसभा सीटों पर मतदान जारी है। वोटिंग सुबह 8 बजे से शुरू हुई है और शाम 6 बजे तक चलेगी। चुनाव में सीएम पुष्कर सिंह धामी, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, सतपाल महाराज, सुबोध उनियाल, अरविंद पांडे, धन सिंह रावत जैसे कद्दावर नेताओं का भविष्य जनता तय करेंगे, बल्कि राज्य का भी भविष्य जनता ही लिखेगी। 2022 का विधानसभा चुनाव बदलाव के लिहाज से कुछ मायनों में अहम माना जा रहा है। ये चुनाव खांटी सियासी दिग्गज हरीश रावत, गोविंद सिंह कुंजवाल, बंसीधर भगत, सतपाल महाराज, उम्रदराज नेताओं के सियासी भविष्य के लिए निर्णायक दाव हो सकता है। सिर्फ उनके लिए ही नहीं, मैदान में उतरे सभी प्रत्याशियों के लिए ये चुनाव जातीय, क्षेत्रीय और विकास से जुड़े समीकरणों के लिहाज से आखिरी दिन माना जा रहा है। वहीं नए परमिशन के बाद 2027 में होने वाले चुनाव में 70 विधानसभा सीटों पर कहीं कम तो कहीं ज़्यादा भौगोलिक समीकरण प्रभावित होंगे। ये बदलाव सियासी दलों और नेताओं की नई सियासी और चुनावी रणनीति तय करेगा। वहीं कांग्रेस के हरीश रावत भी पूजा अर्चना करते हुए देखे गए। चुनावी समर में 82 लाख मतदाताओं की सबसे पहले ये जानने की बेताबी रहेगी कि प्रदेश की सत्ता पर किस दल की सरकार काबिज होगी। ये तो आने वाले 10 मार्च को ही पता चलेगा कि उत्तराखंड में सियासी उठापटक के बाद किसकी सरकार आती है।